दुनिया की कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना, कैसी भी क्यों ना, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना, जो परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो व्यक्ति उसे समझे और उस पर विश्वास करे और उस पर चले तो 99% होगा। क्या होगा? 100% होगा, 100%। सिस्टर का नाम दलजीत है और जे बटाला रोड पोए गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बतारे के 15 साल हो गए थे इनको दुष्ट आत्मा का नेगेटिव प्रभाव का बहुत ज़्यादा उससे जे परेशान थे। जे बतारे कि किसी भी समय दुष्ट आत्मा इन पर अटैक कर देता था इनके घर में और जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे, इनकी फैमिली भी बहुत परेशान हो गए थे। और जे बतारे कि जो इनके गाँव में जिनके आस पड़ोस में कोई भी साज बजता जैसे ढोल ढोल की तो उससे समय भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव शुरू हो जाता और जे अपने घर में खेलना शुरू कर देते और जिसके कारण इनको कोई भी होश नहीं रहती थी और दुष्ट आत्मा नेगेटिव प्रभाव के कारण इनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी आ गई जैसे शुगर की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, प्लस बॉडी में दर्द रहना, जे बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर सकते थे घर का और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। और जे सिस्टर ने बताया कि जे 10 साल से प्रभु पर विश्वास कर रहे थे और इन्होंने दो चर्च भी बदल दी पर फिर भी जे प्रभाव ऐसे बना था, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था जिसके कारण क्योंकि इनको प्रभु की सच्चाई परमेश्वर के राज्य के बारे पता नहीं था और जे इस प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशान थे। इनकी फैमिली भी इनके कारण बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि जे अपने घर का काम भी नहीं कर सकते थे और इसी कारण इनको नींद बहुत ज़्यादा आती थी। और जे बता रहे कि जैसे इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जब जे सिस्टर यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और जैसे इनको टीच किया गया प्रभु की सच्चाई के बारे में और भी बताया गया कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते और प्रभु सरली प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर चुके तो जैसे इनको और भी टीच किया गया और जे लगातार थर्सडे संडे की मीटिंग में आते रहे और जैसे जे सिस्टर 6 अक्टूबर की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और इनके लिए ले प्रार्थना हुई। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। चल पूरी तरह से चल 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 सिर से लेके पांव तक शट 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 निकल गंदी आत्मा, चल पूरी तरह से इसकी फैमिली से, इसके घराने से, इसके परिवार से, चल शट फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, pray in the name of Jesus. जे बता रहे कि जैसे इनके लिए 6 अक्टूबर की मीटिंग में प्रभु के दास के द्वारा ले और प्रार्थना हुई और उस दिन से जो नेगेटिविटी का प्रभाव था परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया। और आज ये बता रहे कि 1 महीना हो गया इनको चर्च में आते हुए, जे बिल्कुल इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके, जो इनकी बॉडी में प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी, जो शुगर की प्रॉब्लम थी, बॉडी में दर्द रहती थी, घर का काम नहीं कर सकते थे, नींद बहुत आती थी, आज ये बता रहे कि परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आज़ाद कर दिया है और आज ये बहुत ही खुश हैं। तो सिस्टर जी अभी आप बताइए कि जिस समय से आप इस मिनिस्ट्री में आ रहे हो तो आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ आ गई है और आपको कैसा लगता है? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਇਨਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਔਰ ਆਜ ਜੈਸੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਜ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਜੋ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਇਨਕੋ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਂ ਬੈਠਦੇ
और इस गवाही के लिए जी परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर इनको आज हर एक प्रॉब्लम से भी फ्री किया और भी इनका जो प्रेम है वो परमेश्वर के साथ और भी बनाए। और हम सब कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। जो कम की तो भी नहीं हुंदा ओ यीशु नाम च हो जावे, जो कम की तो भी नहीं हुंदा ओ यीशु नाम च हो जावे। 10 साल से वो सिस्टर प्रभु में थी, 10 साल से, और प्रॉब्लम क्या थी? दुष्ट आत्मा की। और कैसी प्रॉब्लम थी ध्यान से सुनो, जब भी कोई सांस ढोलक ढोलकी की आवाज सुनती है आसपास तो तुरंत अपने घर में मुंह खेलना क्या कर देते थे, ऐसा प्रभाव था। इसके लिए उन्होंने चर्च तो बदली, बोलो क्या बदली, पर जो वो चाहते थे वो खुदावंद से हुआ नहीं। इसलिए बाइबल कहती ज्ञान बिना परजा नाश होती, ज्ञान बिना परजा नाश होती नाश। मैं घमंड नहीं करता, मैं परमेश्वर से डरता हूं, पर पौलुस जैसे कहता मैं घमंड करना चाहूं तो कर सकता हूं। जाऊं दुनिया की कैसी भी दुष्ट आत्मा क्यों नहीं, कैसी भी क्यों नहीं, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, पर जो परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो व्यक्ति उसे समझे और उस पर विश्वास करे और उस पर चले तो 99 ये 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा, 100%। अगर किसी के जीवन में हो नहीं ना रहा तो उसे वो कहीं ना कहीं उस बात को समझने में आगे पीछे, बोलो कहें, ये छोटी सी गवाही नहीं है। 10 साल से ये प्रभु में थी और छुटकारा नहीं मिल रहा था, बोलो क्या थे, छुटकारा नहीं मिल रहा। और क्या किया कि क्या जो आत्मा के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ गई बॉडी में? शुगर की प्रॉब्लम थी, बॉडी में दर्द रहता था, बुखार रहता, नींद भी आती थी, मतलब पूरी बॉडी पूरा दिन सुस्त रहती थी जी। समझ आ रही? देखो जब तक कोई इंसान उस सत्य वचन को अच्छे से नहीं समझेगा परमेश्वर कैसे काम करता है, बोलो क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, बोलो क्या है, जब वो समझ जाता है तो परमेश्वर बहुत जल्द उन कामों को करता है। क्या करता है? देखो एक बंदा 10 साल से विश्वास कर रहा है, यहां पे आई हुई नहीं, कितना टाइम हुआ अभी? अभी 1 महीना हुआ, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ। ले हैंड कब हुई? 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को, आज कितनी है? 30 है ना आज जी। अभी 1 महीना हुआ और महीने से भी खुदामंद ने क्या कर दिया, पहले फारिग कर दिया, फ्री कर दिया। एक बंदा 10 साल से उस चीज में, और यहां पे आकर उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा कि ये चीज जो 10 साल से नहीं जा रही थी 1 महीने से पहले चलेगी, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। बोलो क्या है? ये छोटी बात नहीं, एक बड़ा पॉइंट है। इसलिए क्योंकि खुदावंद ने आज से 2000 साल पहले अपना क्रूस पर जीवन देकर सब कुछ पूरा कर दिया है। क्या कर दिया है? पर कई बार जब इंसान शरीर में होता है तो उसे समझ नहीं आती क्या करना है, कैसा विश्वास करना है, कैसी प्रार्थना करनी है, कैसा अंगीकार करना रोज रोज। और जब ये चीज हम करते हैं तो यीशु मसीह ने भी कहा परमेश्वर चुने हुओं के लिए देर नहीं करता, जैसा इनके लिए भी, क्योंकि इन्हें सही चीज सिखाई गई, सही पॉजिटिव विश्वास करना है, बिल्कुल संदेह नहीं करना, रोज ये प्रार्थना करनी अंगीकार की कि मेरे लिए हो चुका है, ऐसा हो चुका है। इन बातों को, सही चीजों को पकड़ा और विश्वास किया, आज खुदावंद ने बड़ा काम किया, बड़ा काम। तारीफ करो जोर से इस बात के लिए।